अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चल अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा अपने घर क्यों बेच दिए? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहां घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियां। प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफर में मेड इन पाकिस्तान एंड बिलीव इन पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट के साथ और पावर्ड बाय मॉडल स्टील ग्रुप ऑफ कंपनीज। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। इस सिलसिले में हम डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लोगों से, अपने डिफरेंट स्टार से, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से आपको मिलवाते रहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि उनकी इंस्पिरेशन स्टोरीज, उनके सक्सेसफुल स्टोरीज अब तक आए, ताकि आने वाले लोग, आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें उनको इनसे इंस्पिरेशन मिले। यकीन मानिए आज की एपिसोड मेरी 131 एपिसोड होने जा रही है, और हमेशा की तरह मेरी एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज भी एक इंडस्ट्री, एक ऐसी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके रुए रुआ, उसके समझ लीजिए CEO मेरे साथ मौजूद है। ये वो इंडस्ट्री है, इसको कहते हैं स्किन केयर की इंडस्ट्री, और मेरे साथ फेस फ्रेश पाकिस्तान का बहुत एक लार्जेस्ट ब्रांड है, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उनका नाम है। मैं दुनिया में जहाँ भी गया हूँ, चाहे वो GCC कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीकन रीजन हो, चाहे इंडिया, बांग्लादेश हो, कहीं भी मैं गया हूँ, मुझे नेशनल कंपनी में पाकिस्तान के ये ब्रांड फेस फ्रेश हर जगह पर नज़र आया है, और नो डाउट इसकी क्वालिटी और इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी मैं समझता हूँ कि हर लिहाज से बहुत बेहतर मैंने पाई है। और आज इसके रुए रुआ चीफ एग्जीक्यूटिव इसके अब्दुल वहीद रबानी साहब मेरे साथ इस सफ़र में मौजूद है, और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि ये सफ़र, फेस फ्रेश का ये सफ़र, चीचावतनी से शुरू होने वाला ये सफ़र लाहौर तक होता हुआ और फिर उसके बाद 50 मुल्कों तक, जी हाँ 50 कंट्रीज तक कैसा पहुंचा, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, और फिर 80 प्लस प्रोडक्ट्स किस तरह से हुई, जानने की कोशिश करेंगे ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल वहीद रबानी साहब, और मेरे साथ मौजूद रहेंगे ख्वाबों से तबीर तक के इस सफ़र में। जी वेलकम टू माई शो वहीद साहब, ख्वाबों से तबीर तक के इस प्रोग्राम में खुश आमदेद, और मेरे लिए आज वाकई ही बहुत फख्र की बात है कि नो डाउट पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसको आप ऑन करते हैं। मैं पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी गया दुनिया में, स्पेशल मिडल ईस्ट की मार्केट हो, चाहे अफ्रीकन रीजन हो, चाहे बांग्लादेश की बात करें या श्रीलंका की, मुझे कुछ और मिला ना मिला, लेकिन आपका जो फेस फ्रेश ब्रांड, ये ज़रूर हर जगह पर नज़र आया। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि पाकिस्तानी ब्रांड्स, माशाल्लाह नेशनल कंपनी पाकिस्तानी, हम एक्सपोर्ट में इतना माशाल्लाह आगे, और बल्कि दुनिया में हमारी प्रोडक्ट पसंद की जा रही है, और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज अब्दुल वहीद रबानी साहब मेरे साथ मौजूद है। रबानी साहब, सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ कि ये आप थोड़ा सा इसकी जर्नी बताइएगा, फेस फ्रेश आज एक्सपोर्ट तक जैसे पहुँचा है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, और ये सोच किसकी थी, और फिर इसके ऊपर यानी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, और क्या क्या इसमें हर्डल्स आई, थोड़े से डिटेल में, क्योंकि ये रुख जो है ना, ये मूवमेंट लोगों को, व्यूअर्स को ये नहीं पता, तो ये थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं हमारे देखने वालों को प्लीज। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, आप तशरीफ लेके आए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि आपकी जर्नी कैसे रही, इस पर भी हम आते हैं। पहले मैं आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं कि ख्वाबों से तबीयत तक प्रोग्राम माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, और लोग पसंद भी कर रहे हैं, और आप उस पर बहुत मेहनत लगा रहे हैं, और हमारे जैसे दोस्तों के पास जाके उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और अपने कंट्री की जो एक
इमेज है, सॉफ्ट इमेज है, उसको मजीद आप आगे इनहेंस कर रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया जी, आप लोग पसंद करते हैं तो इसी वजह से ये प्रोग्राम है कि आज 131 एपिसोड होने जा रही है माशाल्लाह। तो ये आप लोगों के तावन से ही है भाई साहब। तो भाई साहब प्लीज बताइएगा थोड़ी सी जर्नी। अच्छा, तो अब हम इस तरफ आते हैं कि फेस फ्रेश 2007 में स्टार्ट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह शहीन कॉस्मेटिक्स कंपनी रजिस्टर हुई। फेस फ्रेश के नाम से प्रोडक्ट्स इसमें हमने बनाना शुरू की, और इसमें जो काविश है या थिंकिंग है या जो फाइंडिंग है वो हम सारे भाइयों की है, पूरी फैमिली की। पूरी फैमिली जी, इसमें सब पूरी फैमिली की मेहनत इन्वॉल्व है। तो ये अल्लाह का फजल है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद की बदौलत अल्लाह ताला हर पल जो है वो हमें तरक्की देता गया, तो हम आगे बढ़ते गए। तो एक यह कि नीयत भी हमारी खालस थी कि लोगों को अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस के अंदर चीज़ें हमने क्वालिटी प्रोडक्ट्स में क्वालिटी ओके और क्वालिटी प्रोडक्ट विद इकोनॉमिकल प्राइस, प्राइस भी जो है वो पहुंच में और साथ उसकी जो है वो क्वालिटी भी शानदार। तो इस चीज़ को लोगों ने बड़ा लाइक किया, अप्रिशिएट, क्वालिटी क्या बात है। और जो फेस ब्रश और शहीन कॉस्मेटिक कहती है वो मनोवाणी या उससे बेहतर होता है, तो ये चीज़ आगे बढ़ने का एक बाइस बनी। दूसरी चीज़ के इत्तेफाक, इत्तेहाद, अल्लाह ताला की मेहरबानी, सच्चाई, ये आगे बढ़ने का जरिया बनी। तो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गए, कंट्री को पहले कवर किया 5-6 साल में अल्हम्दुलिल्लाह, हर शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, शॉप टू शॉप मार्केटिंग, सेल स्टाफ, फिर यह कि एडवर्टाइजमेंट की तरफ हम चले गए, कमर्शियल्स, ब्रांडिंग की तरफ, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यह कि फेसबुक, यूट्यूब, और यह कि एड्स, नेशनल एड बनाई, फिर इंटरनेशनल जाके हम आउट ऑफ कंट्री एड शूट की, उसको फिर पब्लिश किया। तो उनको भी लोगों ने बड़ा लाइक सराहा कि पहले वो ब्रांड्स को, प्रोडक्ट को तो प्यार कर ही रहे थे, तो जब ऐड आई तो उसके अंदर भी या कि उसको भी वो अच्छी एक एड्स इनोवेशन थी, अच्छी इनोवेशन, इनोवेटिव थी, अच्छी थी, उसके अंदर क्रिएटिव थी, खूबसूरत ऐड बनी, लोगों ने वो भी पसंद की, तो और बेहतरी जो है वो मार्केट में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2012 या 2013 में फिर यह कि हमारा प्लान हुआ कि आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहिए, अब जी एक्सपोर्ट को भी जो है वो रीच में लाना चाहिए। तो पहला जो हमारा एग्जीबिशन की अटेंडेंस थी, अपीरेंस थी, वो थी साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर दुबई हमारा मतलब एक एग्जीबिशन ब्यूटी वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन किया। तो बहुत बड़ा इवेंट है, अभी भी आ रहा है। जी जी, जी अभी वो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ बल्कि नेक्स्ट में इसी मंथ था, इसी मंथ अक्टूबर में लास्ट। तो यह कि उसमें फिर हमने पार्टिसिपेशन की, तो यह कि साउथ अफ्रीका थोड़ा काफ़ी आगे डिस्टेंस पे है, दुबई यहाँ पे लोग पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, और ये कि ये हमारे मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं हमारे, यानी कि एशिया के लोग जो हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ हमें मार्केटिंग करने में आसानी हुई। तो फिर यहाँ पे अफ्रीकन भी आते हैं एग्जीबिशन, अरबी भी आते हैं, और मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया से आते हैं, यूरोप से भी आते हैं। तो यहाँ हमें एग्जीबिशन पे काम करना, लोगों से मिलना जो है एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा। तो फिर यह कि दुबई के अंदर हर साल हमारी एग्जीबिशन होती अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद फिर यह कि दूसरे कंट्रीज में भी, नाइजीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इराक, इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज में एग्जीबिशन के अंदर, यानी कि माशाल्लाह इतना वसी होता गया सिलसिला। जी जी,
पार्टिसिपेशन हमारे स्टॉल्स लगते हैं, एग्जीबिशन में हम जाते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, पार्टियाँ डीलिंग होती है, तो इस तरह बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते काफिला बनता गया है। भाई साहब, ये जितना आपने बताया माशाल्लाह 2007 में जो सफ़र शुरू हुआ, आज 2023 में हम जी, इसमें नो डाउट कोविड भी आया जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया भाई साहब, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, मेरा क्वेश्चन अभी बरकरार है कि इसके पीछे हर कारोबार के पीछे एक फिलॉसफी होती है जी, जी, एक अप्रोच थिंकिंग होती है कि इसको किया जाए जी, तो एक चीचा पत्नी से चलने वाला लड़का, यानी कि एक फैमिली कह सकते हैं हम भाइयों में, जितना आपके माशाल्लाह इत्तेफाक है, अल्लाह ताला कायम रखे, ठीक है, तो मैं तो इसका गवाह हूँ। तो ये एक चीचा पत्नी से चलने वाले एक लड़के, यानी कि एक ऐसी सोच लेकर, तो उसके बाद एक ब्रांड ऐसा बन जाता है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में, बल्कि इंटरनेशनली उसको हर जगह पर उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, ब्रांडिंग भी हो रही है, एक नाम है फेस ब्रश का। तो ये सफर इतना आसान नहीं था जितने आपने चंद अल्फाज में बता दिए, इसमें क्या क्या हर्डल्स आई, और ये बेसिकली आपके में भाइयों में से आइडिया किसका था कि ये ट्रेंड देखा आप लोगों ने कि ये ट्रेंड है तो इसमें आप आगे? इस तरह है कि जो कॉस्मेटिक्स का यूज है ये तो डे वन से है, ये तो सभी जानते हैं। हाँ, खूबसूरती तो है ही ना, जगह तो इसके अंदर इनोवेशन है, क्रिएशन है, कि कोई भी बंदा उसके अंदर नए अंदाज में, नई उसके अंदर क्रिएटिविटी के साथ, नए इंग्रेडिएंट के साथ, जुदत के साथ चीज लेके आता है, जो भी वो चाहे कॉस्मेटिक है, चाहे वो गारमेंट्स है, या कोई भी आपके फील्ड में, तो उसको लोग लाइक करते। तो यही हमारा भी एक ख्वाब भी था और जरिया भी बना कि हम इनोवेशन लेके आए, नई चीजें लोगों को इंट्रोड्यूस करवाई, तो उसको लोगों ने पसंद किया। अच्छा, वो इनोवेशन क्या थी थोड़ा सा बताएंगे? यानी कि आप, हम, हमारा ब्रांड जो फेस फ्रेश आपका ब्रांड है, ये दूसरे ब्रांड से पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, ये आप डिफरेंट क्यों हैं? यानी कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को उसमें डिफरेंट करती है? देखिए, सबसे पहला तो नाम, फेस फ्रेश, नाम से जाहिर है फेस फ्रेश, तो ये नाम के अंदर एक खसूसियत ये है कि हर बंदा फेस फ्रेश को पसंद करता है, सही है ना? एक इनोवेशन ये होगी, ठीक है जी। और दूसरा, अब आ जाते हैं हम उसके मटेरियल्स की तरफ, उसके अंदर हमने बहुत सारा या के नॉलेज हासिल करने की कोशिश की और फिर किया कि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं, और हम क्या लोगों को नई चीज दें जो कि उनको बेहतर रिजल्ट दे, उसके अंदर उनको बेहतरी लगे कि ये डिफरेंट चीज़ है और अच्छी है, तो वो हम ये कि उसके ऊपर फार्मूलेशन अपनी सेट करें, तो वो फिर यह कि हम मुख्तलिफ कंट्रीज की, जैसे कि कैंटन फेयर है, जैसे कि इन कॉस्मेटिक्स है, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स की जो एग्जीबिशन है वहाँ पे हम उसमें पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे हम विजिट किया, पार्टिसिपेशन नहीं, विजिट किया एज अ नॉलेज, ठीक है जी। तो इधर भी जो केमिस्ट वगैरह हैं उनसे हमारी मतलब बहुत लंबी, शुरू में तो मतलब यह कि काम ही उस पर था। ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट डेवलप करनी होती है तो बहुत सारे फेजेस से गुजरन होता है, रिसर्च से, और फिर जाके वो प्रोडक्ट बनती है। तो शुरुआत में तो काम ही इस पर था, ठीक है, कि जो है वो मतलब जो इन्वेंट कैसे करें, नई चीज़ क्या है, नई चीज़ क्या है, बेहतर चीज़ क्या है, तो वो हम फाइंड करते गए, तो उसी को फिर आगे हमने इंट्रोड्यूस करवाया लोगों को, तो अल्हम्दुलिल्लाह यही जो है आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपने क्या ऐसा किया, वो हमने लोगों से हटके बेहतर उसके अंदर क्वालिटी ऐड ऑन की, गुड, बेहतर उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, बिल्कुल ठीक, जो कि खालस और इम्पोर्टेड और क्वालिटी जो इंग्रेडिएंट, तो वो फिर जाहिर बात है, यानी कि ये चीज आपको लोगों से थोड़ा सा मुनफरिद करती है जी, शायद इस वजह से आपका ब्रांड आप समझते हैं आगे है। भाई साहब, बचपन में जो ख्वाब देखे थे फेस फ्रेश या शहीन कॉस्मेटिक्स की सूरत में, वो ख्वाबों की तबीयत मिल गई कि अभी, यानी कि आप समझते नहीं अभी इसी आगे भी बहुत कुछ है करने वाला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें यह है कि
सफर तो जारी है, सफर तो जारी है, जारी है अलहम्दुलिल्लाह आगे बढ़ने का। तो बाकी जो ख्वाब एक ब्रांड बनाने का या एक बेस्ट प्रोडक्ट्स लाने का, वो अलहम्दुलिल्लाह आप समझे कि मतलब अचीवमेंट है, नेशनल भी नो डाउट और इंटरनेशनल भी नो डाउट। और उसी अचीवमेंट्स के ऊपर मजीद काम हो रहा है कि और भी अचीवमेंट्स हासिल करें। सर आपकी फैक्ट्री जो है और आपका ये जो ऑफिस है जो मैंने विजिट किया है, माशाल्लाह स्टेट ऑफ आर्ट है। जबकि एक आम परसेप्शन ये जाता है कि पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती है वो इंटरनेशनल लेवल की नहीं होती, शायद इस वजह से हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आते जी। ये सबसे बड़ा हर्डल्स आता है मौजूदा सूरत हाल में, जैसे इकोनॉमिकल पोजिशन है डॉलर्स की वजह से भी और क्वालिटी मेंटेनेंस। ठीक है तो सर आप किस तरह से डिफरेंट है थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपके फैक्ट्री में या कैसा ऐसा सिस्टम है कि आप इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रोडक्ट्स के या एक्सपोर्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम मीट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि हमारी जो फैक्ट्री है यूनिट है वो ISO सर्टिफाइड है। अच्छा गुड जी। और उसके जितने भी इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे हमने मीट किए हुए, हमारे पास सर्टिफिकेशन है बकायदा तौर पे। तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम स्टैंडर्ड को मतलब किसी भी जगह पे लेक करें लेक करें या उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसी तो शुरू दिन से हमारी सोच ही ये नहीं थी। तो उसी जो एक सोच थी कि एक बेहतर ही काम करना है, तो उसी के बदौलत हमने अपनी फैक्ट्री भी आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट ही नज़र आएगी आपको। नो डाउट यहीं से अंदाज़ा हो रहा है आपके ऑफिस को। प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या जो क्लीनिंग है वहाँ पे स्टाफ है मशीनरी है वो सारी की सारी जदीद ऑटोमेशन, और लैब आप देखेंगे तो वो भी आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नज़र आएगी। बड़ी लैब है, हर तरह का इक्विपमेंट है उसके अंदर, साइंटिस्ट है वो मतलब उसका अपना एक पूरा स्टाफ है। तो जो भी प्रोडक्ट बनती है क्वालिटी कंट्रोल चेक, यानी कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं जी जी, और आप समझते हैं कि वो बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगी जी जी। ये जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग ये तो बात की आ जाती है, असल वो आरडी बैक एंड पे तो वही काम है बैक एंड पे जी हां। तो सर फेस फ्रेश से शुरू होने वाला जो सफर था जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्रोडक्ट है शाहीन कॉस्मेटिक्स की टोटल, यानी रेंज कितनी है थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। हमारी रेंज है 80+80+ यानी कि आप जब इंटरनेशनल वर्ल्ड में जाते हैं पार्टिसिपेशन के लिए एग्जीबिशंस वगैरह में जी, तो बीइंग ए पाकिस्तानी आप तो प्राउडली फील करते होंगे कि माशाल्लाह हमारा ब्रांड या हमारे जैसे और भी नेशनल ब्रांड जो है जी, जब इंटरनेशनल उनको यानी कि एक्सेप्टेंस मिलती है रिकग्निशन मिलती है जी, जी, तो आपको तो बड़ा अच्छा फील होता होगा, या कि आपके क्या जज्बात होते होंगे एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी जिस मुल्क ने आपके लिए बहुत कुछ दिया है उसने डेफिनेटली मुल्क है तो आप लोग हैं ना, आप ये कंट्री है तो हमारे ब्रांड्स हैं और हम इस काबिल हैं, तो आप बताइए थोड़ा सा प्लीज। बिल्कुल जो बड़ा प्राउड फील होता है अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम इंटरनेशनली मतलब ये कि पार्टिसिपेट करते हैं और लोग हमारे पास आते हैं हमारी प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं तो बड़ा मतलब अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, एक एनर्जी फील होती है क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है और एक इनकरेजमेंट जो है वो मतलब आती है कि यार जो मेहनत की है ना उसका सिला नज़र आ रहा है सिला, तो और मेहनत करें और आगे बढ़ें और मेहनत करें और चीज़ें देखें कि बेहतर कैसे कर सकते हैं ताकि जो पसंदीदगी है वो बढ़े। बिल्कुल ठीक। और बढ़े, अरब कंट्रीज़ के लोग पसंद करते हैं, अफ्रीकन पसंद करते हैं, यूरोपियन पसंद करते हैं, तो
मतलब है आप देखें खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं, अंदाजा नहीं भाई साहब। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना कितने मुश्किल होता है, किसी ब्रांड जो होता है ना आपकी उसी जनरेशन की तरह होता है, बेबी की तरह होता है, बच्चों की तरह होता है जिसे आप प्यार करते हैं, बड़ा करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेके ब्रांड, ब्रांड से लेके ब्रांडिंग और फिर इनोवेशन तक पहुंचते हुए फिर उस चीज को मेंटेन करना, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में रहकर सबसे ज्यादा मुश्किल चीज यही है। हमारे यहाँ ब्रांड बहुत सारे आते हैं, पिट भी जाते हैं मार्केट से, क्योंकि वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे खुशी होती है जब पाकिस्तान के कुछ अच्छे नेशनल ब्रांड, जिसमें से आपका भी एक ब्रांड है, जिनको मैं देखता हूँ कि क्वालिटी वाइज आप लोग उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। यही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा आगे हैं। कितने कंट्रीज में सर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त? 50 प्लस कंट्री में। और मेन जो रीजन आपका, यानी कि जो क्लाइंट के हिसाब से देखें तो अफ्रीका रीजन सर, ये आप गल्फ कह सकते हैं, जीसीसी कंट्री गल्फ पूरा, ओके, जितना जो अरब कंट्रीज हैं और अफ्रीकन कंट्रीज आप कह सकते हैं, ये जो एशियन इधर है अपना, आप फिलिपाइन है, फिलिपाइन में भी जी, फिलिपाइन है, ये श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया भी इसमें मतलब है, इसके अलावा आप वियतनाम है, अच्छा जी, तो ये नेपाल है, इस तरह करके ये जो एशियन कंट्रीज है इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग है। तो सर फेस फ्रेश अपनी जगह पर किसी स्किन के ब्रांड बनाने के लिए क्या इंसान का अपना खूबसूरत तो होना जरूरी है इतना के लिए? देखें जी, असल तो बंदा अंदर से अंदर खूबसूरती होनी चाहिए, इनर खूबसूरती होनी चाहिए, बाकी तो सारे अल्लाह ने खूबसूरत ही बनाए, सब को अल्लाह ताला ने अच्छा बनाया है, खूबसूरत बनाया है। तो ये कि अगर सर आपने तो बड़े बड़े खूबसूरत बना दिया ना, आपने बिहार में बैठे लोगों को भी फेस फ्रेश का नाम सिखा दिया कि खूबसूरत कैसे बनना है। जी हाँ, देखिए एक इसमें मतलब मेन जो मैसेज है कि कोई चीज साफ सुथरी अच्छी लगती है, जो फ्रेश है अच्छी लगती है। हम देखो ना कि खाना हम कहते हैं कि फ्रेश होना चाहिए, तो उसको हर बंदा पसंद करता है, शौक से खाता है, सही है ना। इसी तरह अगर डल फेस है, स्किन आपकी मतलब नीट नहीं है, तो उसको मिलने वाला बंदा उससे क्या इंप्रेशन, वो भी डल हो जाता है, डल भी हो जाएगा उससे भी, जो वेव्स आ रही होती है ना, नेगेटिव वेव्स आती है। तो मेरा कि भी चेहरा ग्लो कर रहा है, चेहरा साफ सुथरा है, स्किन साफ है, तो देखने वाला भी इंस्पायर होता है और वो भी खुश हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो ये एक नेचुरल चीज है कि फ्रेशनेस जो है वो हर किसी को ही जरूरी है, जरूरी है, जरूरी भी है और हर किसी को पसंद भी है। तो इसका मतलब है कि फेयर होने के लिए वही ब्रादरान ने ये यानी कि मिशन बनाया हुआ कि लोगों को खूबसूरत बनाना है, जी, 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 और वो आप फेस फ्रेश के जरिए कर रहे हैं। जी सर, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरा कि इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया, पहचान दी, नाम दिया, पैसा दिया, इज्जत दी, पूरी दुनिया में दी, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी है आज हमारी कंट्री के लिए हमें इसको कुछ देना है, जी जी, तो इसके वाम को कुछ देना है सी एस आर के हवाले से। मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारे ऊपर फर्ज है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ करें, तो आप बतौर अदारा अपने उन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जिनका हक है बाप की तरफ देखते हैं, जी, जी, जी। क्या करें? देखिए ये आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एज अ इंसानियत ये तो हर किसी का फर्ज है कि इंसानियत की खिदमत की है, और जहाँ जिसका जितना हिम्मत है वो उतनी उसके अंदर अपनी मतलब कोशिश कर रहा है, कोशिश किसी ना किसी हवाले किसी ना किसी के तरीके से आप भी कर रहे होंगे, बिल्कुल ठीक, ये भाई साहब भी कर रहे होंगे, या और भी जो छोटी कंपनी है, बड़ी है, उससे बड़ी है, अदारा है, तो इसी तरह हमारा अदारा भी जो हो सकता है जैसे हो सकता है इंसानियत की खिदमत के लिए जरूर अपनी जो है वो खिदमत करता है, करनी भी चाहिए जी, क्योंकि बिल्कुल जी जी, ये तो दिए के साथ दिया जलाने और अल्लाह भी कुछ, अल्लाह भी कुछ, इंसान कुछ तो अल्लाह, और अल्लाह के साथ कारोबार जब बोल रहे थे तो फेसबुक क्या रह जाता है। वहीद भाई आगे प्लान्स क्या है, आगे ख्वाब कौन से हैं,
आगे भी जहाँ भी है ना। हाँ हाँ, देखें बात यह है कि भाई ख्वाब तो जो वही है कि इंशाल्लाह मज़ीद अचीवमेंट्स आगे बढ़ने की, नई नई प्रोडक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। यानी कि इसमें और भी चीजें अभी समझते हैं आपकी 80 प्लस के अलावा जी जी और भी अभी चीजें आ सकती हैं, इसमें इतनी है कैपेसिटी है, पाइपलाइन में है, ओके, वो ऐड ऑन होती चली जा रही है, वो तो मतलब कंटिन्यू है। अच्छा जी जी, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इतनी बड़ी रेंज है कि 80 प्रोडक्ट्स आने के बावजूद CEO फेस फ्रेश कह रहे हैं कि अभी और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सर थोड़ा सा बताएंगे कि अभी वो कौन सी प्रोडक्ट्स आप ऐसी लाने चाह रहे हैं कि जो मार्केट में जिसका गैप हो, जो कि जरूरत हो, खूबसूरत बनाने के लिए होगी डेफिनेटली वो। हाँ बिल्कुल, देखो गैप का तो मतलब आप हम नहीं कह सकते क्योंकि हर जरूरत वाली चीज मार्केट में मौजूद है। ठीक है, तो उसके अंदर वही चीज है कि आप लोगों से डिफरेंट क्या लाते हैं, डिफरेंट वो आपकी मेहनत है, वो आपकी रिसर्च है, वो जितनी आप करेंगे उतनी ही वो उसके अंदर लोगों को चेंज नजर आएगा, तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे। तो बस यही चीज है कि जैसे मैंने कहा कि हेयर केयर के ऊपर काम, अच्छा हेयर केयर, ये मतलब शैम्पू है या उसमें मतलब हेयर मूविंग क्रीम्स है, इस तरह करके जो हेयर कलर्स हैं, और इसके अलावा भी काफी सारी सीरम्स हैं। अच्छा सीरम्स जी, सोप्स हैं जी, तो इस तरह काफी चीजों पे काम हो रहा है, बॉडी क्रीम्स हैं माशाल्लाह जी, लोशंस हैं माशाल्लाह। वैसे खुशी होती है कि माने ये देख के कि मुल्क में जरूरत भी इस वक्त नेशनलिज्म की है, नेशनल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की है और नेशनल इमेज को और नेशनल कंपनीज को प्रमोट करने की है। हमारे में कैपेसिटी है हम लोगों में माशाल्लाह, जब भी मौका मिला है पाकिस्तानी कंपनीज को किसी न किसी लेवल के ऊपर हम लोगों ने प्रूफ किया है, चाहे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करें, किसी इंडस्ट्री की बात, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी देख लें, दुनिया में जहाँ भी मौका मिला है पाकिस्तानी को एज ए बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट, उसने प्रूफ किया है कि मैं कर सकता हूँ, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। और यही बात है कि हम लोग या हमारी खवातीन जो कि महंगे दामों इम्पोर्टेड आइटम्स खरीदती है जिसका हमें फायदा कोई नहीं है, नुकसान है, जर मुबादला भी बाहर जा रहा है, तो क्यों ना हमारी अपनी लोकल प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए, नेशनल ब्रांड्स को इतनी तरक्की देनी चाहिए हमें कि दुनिया में हर जगह पर नेशनल ब्रांड्स हमारे जाए, ये हमारे लिए बायस फख्र की बात है। तो ये प्लीज आप कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन जी। तो मैं ये कह रहा था कि इंशाल्लाह ताला अभी जहां और भी है, अभी ख्वाब और भी है, अभी मंजिलें और भी है, और मेरी उम्मीद है कि फेस फ्रेश हर जगह पर, अभी मैंने जहां जहां देखा है, जिन जिन रीजन में देखा है, उसके अलावा भी दुनिया में हर जगह पर, जब भी नॉर्थ अमेरिका है और भी UK की मार्केट है, वहाँ भी एशियन है, मैं चाहूँगा कि वहाँ भी आपका ब्रांड अवेलेबल हो इंशाल्लाह आने वाले दिन। वही सब कोई ऐसा मैसेज जो आपके आप लोगों को देना चाहिए, एशियन ट्रेड TV आपके लिए हाजिर खिदमत है जी। पैगाम इसमें एक तो यूनिटी और दूसरा यह कि आपकी खालिस नीयत, कि आप जो भी कहें जो भी करें वो खालिस नीयत से करें, जिससे जो कहा है और जिसने सुना है उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक, कहने और सुनने में फ़र्क नहीं होना चाहिए, कहा है तो बाद में आप जो कह दिया है उसके बाद चेंज नहीं उसको मिलना चाहिए, मतलब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो ये आपने सुन ली, इसके बाद आप देखें कि जी वही साहब ने ये कहा था लेकिन इस तरह नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो जो आप मतलब क्वालिटी है प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसके अंदर भी इसी तरह जो भी मतलब उसकी क्वालिटी आप लोगों को बता रहे हैं वो दें, वो इंश्योर करें, वो इंश्योर, वो शुड जा क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज ना करना चाहिए। बाकी यूनिटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खालिस नीयत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। तो यही मेरा पैगाम है कि सब इस चीज़ को। वही सब आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, और यकीन माने कि आज मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई है, स्पेशली पाकिस्तानी ब्रांड की तरक्की की जी, आपसे मिलने की खुशी अपनी जगह है, लेकिन आपसे पहले एक आता है पाकिस्तान का नेम, उससे पहले आता है एक पाकिस्तानी ब्रांड, और फेस फ्रेश पाकिस्तानी एक वेल नोन ब्रांड है,
ना, वही बात है कि मुझे खुशी होती है जब किसी पाकिस्तानी ब्रांड को मैं इंटरनेशनल मार्केट में देखता हूँ। सर, इन्हीं जज्बात के साथ, इन्हीं ख्यालात के साथ शाहिद मियां को प्रोग्राम ख्वाबों से तबीयत तक के लिए इजाज़त दीजिए। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे, आज मेरे साथ मौजूद थे फेस फ्रेश के CEO अब्दुल वाहिद रबानी साहब, जिनकी सक्सेस स्टोरी हमेशा की तरह आपको पसंद आएगी, उन्हीं स्टार की तरह है जिन्होंने तरक्की की है एक सोच के ऊपर, एक आइडिया के ऊपर, और आज उन्होंने जैसा कि बताया कि 80+ प्रोडक्ट्स उनकी है और अभी और भी रेंज आ रही है और दुनिया में 50 से ज़्यादा कंट्रीज में उनके प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तानी, बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ मेरे लिए फ़ख्र की बात है, और यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है जो हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे, हम क्वालिटी में, हम प्रोडक्ट्स में बतौर नेशनल कंपनी किसी से कम नहीं है। हमें जब भी मौका मिला है, किसी जगह पर मौका मिला है, हमने प्रूव किया है कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हमारी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इसी के साथ शाहिद मियां को ख्वाबों से तबीयत तक के इस सफ़र में इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि ये सफ़र जारी रहेगा और अगली दफ़ा मैं किसी एक नई शख्सियत से आपसे मिलवाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है हमारे स्पॉन्सर कंपनी मॉडल स्टेट ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से। ये भी पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रांड है जी, और ये भी बिलीव करता है कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स के ऊपर यकीन है इनका भी, तो ये आपके लिए स्पेशल, आपको याद रहेगा कि आप ख्वाबों से तबीयत तक के सफर में हमारे गेस्ट थे। बहुत शुक्रिया, शायद बहुत शुक्रिया। अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सकें, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो। चलो अब्बा के पास इतने पैसे, अब्बा आपने घर क्यों बेच दिया? जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाएं, वहाँ घर टूट जाते हैं। ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।